अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूँ हिना नियाज़ी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वैसे आज मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप लोग तनकीद करें, मेरे ड्रेस पे क्रिटिसाइज करें, मेरे फैशन सेंस को बुरा कहें, मुझे बताएं ये कलर कौन सा है? व्हाट कलर इज दिस? ये छोड़ें, आप ये मुझे बताएं, स्पाइसी खाना खाएं तो मुंह से क्या निकलता है? सी निकलता है मतलब। और साथ ग्रीन कर लें। अरे वाह 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 वाह, क्या गेस था भाई। वैसे तो मुझे आप कलर ब्लाइंड लगते हैं, लेकिन आपने गेस बहुत अच्छा किया। आपकी तारीफ भी अच्छी थी। तुसी शाद खान को बेवकूफ समझते हो? है जे है जे। स्पाइसी खाना खाओ ना तो सी निकलता है। हाँ जी, लेकिन चमोटा भी खाओ तो भी सी निकलता है। वैसे मैं दसा केड़ा कलर है? कौन सा? यू सी आई सी आई थान दसी नहीं। ना जी, ए शाहिद खान साहब ना कलर ब्लाइंड ने, तासे पाईजान अकल ब्लाइंड है। रकम ब्लाइंड, पैसा ही कोई नहीं कोल। नहीं, आज हिना जी आप रोज की तरह खूबसूरत तो लग रही हैं, लेकिन सूट आपने वो पहना है गांव की आइसक्रीम है जो मेल्ड होने के बाद भी दीवारों पे डिजाइन बनाने के काम आती है। हिना जी रोज की तरह हसीन लग रही हैं और तुम रोज की तरह कोझे ही लग रहे हो। क्या बात की है, दिल की बात। चुपचाप मरो उधर का मोमेंट, जिंदगी साइड पे जाए ना तो नीचे से ब्रेक होता है, ऊपर से बड़ा होता है। हां जी, चुपचाप अमरूद उस जैसा मोमेंट। कौन सा अमरूद? चुपचल अमरूद। हमारे आज के पहले मेहमान नून लीग के रुकने असेंबली हैं, तशरीफ लाते हैं जनाब मियां नवीद साहब। बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज तशरीफ रखें। हमारी आज की दूसरी मेहमान बहुत मशहूर गुलुकारा हैं, खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन इनकी आवाज भी बहुत ही खूबसूरत है। तशरीफ लाती है अमीरा मीर। क्या हाल चाल है मियाँ साहब? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, वैसे मुझे एक बात तो बताएं, आपकी जो जमात है वो अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन ग्रुप को मुस्लिम लीग नून में शामिल करना चाह रही है, मुझे ये बताएं उसके बाद नजरियाती सियासत का क्या बनेगा? आपको लग रहा है नजरियाती सियासत हो रही है अभी मुल्क में? देखिए, हमें तो नहीं लग रहा, लेकिन जो आपके सुप्रीम लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो ये दावा कर रहे थे कि मैं नजरियाती सियासत करूंगा, तो क्या बनेगा फिर इस सियासत का? देखें जी, बड़ी पुरानी कहावत है, जरूरत इजाद की मान, और सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, सियासत वही है जो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करे। तो फिर मिसाल बदलो, आप सीधा सीधा कहो कि जरूरत नजरियात की माँ है। जी बिल्कुल, जरूरत नजरियात की माँ है, कह दिया। हिना जी, ये लोग नजरियाती नहीं हैं, बहुत बड़े जरूरियाती हैं। बल्कि आजकल तो अतमे अतमाती हैं। यार सारी गल हादसाती है, क्यों लम्मी करन रहे हो? ये जो अपोजिशन च जाते हैं तो नजरियाती हो जाते हैं, हुकूमत चाउण की वारी हो तो जोड़ तोड़ याती हो जाते हैं। ये तो आवाम फैसला कर देगी, इंशाल्लाह तू सारे वेखोगे। असीं आवाम ही होर लेले बन्ने आ। अमीरा, मुझे ये बताओ कि गाने की तरफ आने का फैसला कैसे किया? क्या कोई खानदान में पहले भी गाता है, कोई फैमिली में ये चीज है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स आरफाना कलाम पढ़ा करते थे। अच्छा, सो वहाँ से मैं भी शुरू में यही पढ़ा करती थी, लेकिन फिर मुझे इंसिस्ट किया गया मेरे फ्रेंड्स की तरफ से कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हें गाना गाना चाहिए। आपके फ्रेंड अच्छे नहीं है, आपको अच्छा मशवरा? नहीं नहीं, वो चाहते थे कि मैं कुछ लाइफ में करूं, कुछ बनूं। यार बता, मैं दसना बताएं, दरअसल इन्हां दे पेरेंट इन्हां नूं किते लेके नहीं सी जांदे। क्यों? इन्हां ने कहा चलो फिर इस फील्ड च ही आ जाओ। अच्छा, मेरा दोस्तों ने तो आपको इंसिस्ट किया, लेकिन प्रोफेशनली इस चीज को परसू कैसे किया? किसने कन्विंस किया और किस तरह से फिर आई इस फील्ड में? आई थिंक मेरे दिल ने, मुझे लगता था कि मैं शायद कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ, मुझे करना चाहिए। जितनी आप खूबसूरत हैं, मेरा जी चाह रहा है कि ये मेरी बेगम भी बन सकती है। पहले तो पहले से शादी हुई भी है भाई। आमर लियाकत साहब चार चार करना था कोई। चले मैं अमीरा से पूछ लेती हूँ, अमीरा इंटरेस्टेड हो? नहीं नहीं, मैं शादीशुदा बंदे में कोई इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, अगर शादीशुदा ना होते तो फिर आप कर लेती? जी जी, फिर मैं सोच सकती थी। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा तो खूबसूरत आप ही मुझे नजर आ रहे हैं। आप तो बहुत खूबसूरत कह रहे हैं। जी जी, मुझे लगता है मेरी आई साइड थोड़ी सी वीक हो गई है, काफी वीक हो गई है। अमीरा कंफर्म, या तो आप पागल हो या आपको कोई समझाने वाला नहीं है।
मतलब अमीरा ये कहां से हैंडसम है? अच्छा जी सैडल गौर ओए ओदी गल्ला तेडा गौर ना कर ओ तीसरा साइको कर दिया ते शहर नु साइको कीता ही उन्हें ओ जिसे जांदी दो चार बंदे तारीफ कर जांदी बाजो सारे बंदे दे पीछे पीछे लगे फिरदे नहीं। अच्छा तो मियां साहब भी आपके साथ बैठे हैं, इनको जरा देखें बताएं कैसे हैं? फिलहाल तो साइड से नजर आ रहे हैं, फ्रंट से देखूंगी तो शायद कुछ बैठे लगे। जी जी बेहतर है। अच्छा मियां साहब ने भी पूरा चेहरा देता है। वो मीरा ने किया ना साइड से सही नजर नहीं आता तो मियां साहब ने क्या पूरा ही मुंह कर देता क्या? कि शायद मैं कुछ अच्छा लग जाऊं। अच्छे लग रहे हैं। मैं शादीशुदा हूं। मुझे कौन मिलेगा? कौन होगा मीरा का पति? उसको जवाब दे। ये 2022 मॉडल जेन्युइन पीस। इतनी खूबसूरत इंसान पे मेरी अब कैसे नजर पड़ी? कितनी देर बाद आ गल्ला मेनू किसी ने कीतिया। प्लीज इन्हें तो पक्के रहियो, तुहाड़ी मेहरबानी। ओए बड़ा तेरा गोडे दी रगड़ रगा मुंह है, कितने डायरेक्ट होने। अच्छा ओदा रगड़ रगा मुंह है, तेरा गोडे रगा मुंह रल गए हो तुसी। छाते चढ़ जावा। अच्छा मीरा आप बता रही थी कि आपके दिल ने कहा आपको सिंगर बन जाना चाहिए, फिर क्या हुआ? बस मैंने कहा ट्राई करते हैं। और कैसे ट्राई किया? क्या कोई ऑडिशन दिया, किसी से बात की, कोई कॉन्टैक्ट्स लड़ाए, किस तरह? आपको पता है शुरू में जब आप इस फील्ड में आते हैं बहुत मुश्किल होता है जब आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। सो मैंने सोचा मैं खुद से करती हूँ, इसीलिए फिर मैंने खुद के गाने बनाए। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो अभी भी मेरा रिसेंटली गाना एक रिलीज़ हुआ है, सो उसका बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिल रहा है। सो मैंने कहा खुद से ट्राई करते हैं और अगर किसी ने अप्रोच किया तो मोस्ट वेलकम। चैलेंज ही ज़बरदस्त एंड वी विश यू गुड लक। आपके फ्यूचर में भी जितने भी और गाने आए वो इतने ही अच्छे जाएँ और लोग उनको इतना ही पसंद करें। अमीरा मैं भी तेरा, ये दिल भी तेरा। तेरे मुंह तो नहीं मानने, उन दिल भी दे इंडिया। इतने से तो बात नहीं बनेगी ना, कुछ पैसे शैसे भी हैं आपके पास? नहीं नहीं, पैसे का कोई तलक नहीं। कोई दौलत, कोई जायदाद? जब हम फंक्शन पे जाएंगे तो जो कापियों वाला होगा अबे तुम्हारे आधे मेरे। आपको आपके जवाब पहले ही मिल गया कि आप गाएंगी तो वो खाएगा। नहीं तो अमीरा कितना अमीर हस्बैंड चाहिए, कितने पैसे हैं उसके पास? नहीं आई थिंक मैं इस तरीके से नहीं सोचती कि अमीर। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ही नहीं। जी जी नहीं, कभी भी नहीं रही वो, तो वैसे ही मैं शुगर लगा रही हूँ। लेकिन बस नॉर्मल सा हो, छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, छोटा सा कितना छोटा घर, छोटे छोटे बच्चे। मेरा घर बड़ा हुआ, मैं लादा मैंने उधर लाना पड़ा। तो कहते रही है कि ये तो खाना खुना बना ले, काम मैं आप कर लागे। ठीक है, मिलजुल के गुजारा कर लेंगे, पैसे की कोई फिक्र नहीं। अच्छा पैसा इतना जरूरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी तुम्हारा जैसा कोई मासूम दिल ही चाहिए। ना तो मैंने भी जुटियां बवानी है जैसे मेरे कोल बैग ना करे हो जे गल्ला। मियां साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में पीटीआई के कुछ वर्कर्स ने ज्वाइन किया है, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। देखे जी मिसी ना, खान साहब को इन्हां दी कैसी बेइज्जती हो रही है। ए पहले खान साहब दी शान च गुस्ताखी करदे सन, अजकल खान साहब इन्हां दी शान च गुस्ताखी कर रहे ने। हुण इन्हां ने पुछो मजा आ रहा तकरीरां दा, कैसीआं कन्नां ते वज रहीआं तकरीरां इन्हां दे। दसो खूब जीरां दे वालीआं तकरीरां वी करी जाणदे ने ते विचे विचे अपोजिशन वालीआं वी करी जाणदे ने। इन्हां दे पल की लगे दसो हुण मैनूं। मियां साहब कुछ दसो, तुसी ते चुप ही कर गए हो। नहीं नहीं, मैं उन्हां दी शक्लां गौर नाल वेखदी ना, कल जो पोलियां पोलियां वजदियां ना उन्होंने, उदों मैंने पुछेगा किहनूं मजा आ रहा किहनूं नहीं आ रहा, मैं शक्लां पहचान रहा वा। वेखो वेखो जिन्ना मर्जी वेखो, असीं किहड़े वेखदे पै लैंदे आ, तुसीं काबल भी नहीं जे। बल्कि आपको पैसे देने चाहिए हमें आपको देखने के। ऐ बच्ची भी पटवा रहे जनाब। नहीं वैसे वोट तो मैंने पीटीआई को ही दिया था, लेकिन ले आ जे मजा फिर। अच्छा मीरा आपने वोट तो पीटीआई को दिया, तो अभी क्या हुआ, आप क्यों नहीं देंगी? आगे देने का इरादा रखती हैं पीटीआई को? काश मैं दे सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब किसी और को आना चाहिए, एटलीस्ट जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, मतलब एटलीस्ट कुछ काम करे लोगों के तो लिए। किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? अभी कुछ सोचा नहीं है, देखते हैं। तो ये मम्मी डैडी की मर्जी है, मेरे को लिखवा लो कि वोट बुलावा लो पाएगी। जी जी हो भी सकते हैं ना, क्यूट बच्ची क्यूट। ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਵੇਖੋ ਦਿਓ ਕਾਮਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਲਿਆ ਉਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਲਾ ਕਢਵਾਣਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਕਢਾਣੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਖਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ
ਵੇਖੋ ਤੇ ਡੀਜੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਮੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਬਚਪਨ ਮੇ ਕਭੀ ਮਾਰ ਪੜੀ बचपन में क्या अभी भी पड़ती है अभी भी पड़ती है तो किस बात पे यूजुअली मार पड़ती है मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ही डिफरेंट फील्ड चूज की सो शुरू में पेरेंट्स ने काफ़ी मुखालफत की मेरी समझाते थे कि इस फील्ड में ना आओ सो चुप चुप के करती थी उन्हें पता चलता था तो काफ़ी मार पड़ी है लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं उन्हें लगता है कि वाकई ही बच्चे में टैलेंट है अब हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए तो बसुरा गाए मार पे रो पे राशन जिते गाँव उत्त वैसे ही लोग रोन लग पे रो रो के लोग गाला कटन डे की कह गया अपने घर के हालात ही सुना मैं भी रो पड़ूंगी मत जिते गाना उत्त पांच साल में फसल नहीं होगी ऐ शाहद खान जिथे भी गाया उत्थे लोगों ने पछताया मियाँ साहब हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मैं सवाल पूछूंगी अगर आप नहीं करते तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं जी मैं करता हूँ फिर आपको पूरा करना पड़ेगा और मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा ठीक है आप सब लोग गवाह हैं मियां साहब ने कह दिया कि मैं जवाब दूंगा ओके ठीक है आपने खान साहब की तीन तारीफें करनी है हार गया मियां साहब दोनों पासे फंस गए तुसी वो जी अच्छे क्रिकेटर हैं ओए देखिए वो जी टॉल हैं हां वो जी अपना थोड़े बहुत गुड लुकिंग है थोड़े बहुत गुड लुकिंग है जवाब तो दे दिया मैंने लेकिन इस गल की दाद है कि इन्होंने तारीफें की तारीफें की है मेरी यहाँ पे मैं शहबाज शरीफ साहब को बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने एमपीएस का ख्याल करें किसकी तारीफें कर रहे हैं इमरान खान साहब की इन्होंने तीन तारीफें कर दी हैं शहबाज शरीफ साहब मुतमईन है मेरे पे कोई ऐसी बात नहीं ओके शहबाज शरीफ साहब ये ऊपर से आपके साथ हैं दिल में इनके खान साहब ही बसते हैं दिल में तो इस टाइम खान साहब ही है बड़ा कुछ चल रहा है यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा वापस आएंगे ब्रेक के बाद And we are right back after the break. You're watching तारों से करें बातें. अच्छा हमें ये बताएं कि आपकी अदमे एतमाद की क्या स्ट्रैटेजी है कुछ तो रिवील करें कुछ तो डिस्क्लोज कर दें भाई लो जी भी सिन्हा जी खान साहब ने अदमे एतमाद वाले दिन पार्लीमेंट के दरवाजे से जलसा रख लेना जी मैं तुहानूं सिन्हा जी असीं अपना कोई बंदा पार्लीमेंट भेजना सी इन्हां दा असीं जान नहीं देना बताएं अगर इन्होंने जलसा रख लिया डी चौक में तो कैसे लेके जाएंगे अपने एमएनए उसको पार्लियामेंट में देखिए जी वो तो अनाउंसमेंट उनकी आ रही थी कि शायद अदम एतमाद से एक दिन पहले वो डी चौक पे धरना करें तो जहां से वक्त स्टार्ट हुआ था आज दोबारा घूम के उधर ही आ रहा है तो वो जो मर्जी करते रहे तो अब उनके जाने का वक्त आ गया हमारे एमएनए पहुंच जाएंगे वो अपने एमएनए की फिक्र करें ये तो नहीं जान गए ना सुपरमैन वाली चादर मंगाई इन्होंने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਵੈਂਜਰ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2018 ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਣਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋ ਐ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਲਾਪ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵਾਲੇ ਦਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਓਏ ਫਿਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਫਿਨਾ ਦੇਗਾ और तेन नहीं पता कि खान साहब वैसे ही हो गए ना वैसे चेक कराओ उन्होंने चेक कराओ सब तो पहले उन्होंने ढारियां दी धोणा च चपेड़ा मारनिया ढारियां ने उन्होंने बहुत साथ दिता है शौकत खान तो लैके जलसिया तक जिन्होंने जो साथ दिता ना उन्होंने पे नहीं हो तुम तैयार हो जाओ भी मारनगे चपेड़ा ताड़े कोई चपेड़ा नहीं खांदे चमोटे खांदे ने चमोटे खांदे मियां साहब कोई जवाब है इनकी बातों का आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए हैं कोई जवाब दे इनको चुप का मतलब हुंदा सीधा जवाब देता हूं नहीं उन्होंने रिजल्ट का पता है ना इसलिए चुप हो नहीं गल ये हैगी है कि इन्हों मैं सीरीयस इस वास्ते नहीं लै रहा क्योंकि इन्होंने कायदे इस टाइम कोई सीरीयस नहीं लै रहा टाइम गुजाया करने का फायदा कोई नहीं गा तुम नहीं ना लै रहे सीरीयस सारी दुनिया उन्होंने सीरीयस लै रही है प्यूटन ने उन्होंने हाथ चुमे ने उन्होंने कहा मुर्शद आ गए हो नहीं हाथ चुम के वालों ने किया मुर्शद इतने भी आके लड़ाई कराती है प्यूटन ने जंग का ऑर्डर देने तो पहले खान साहब के गोडे हाथ लाके उन्होंने कहा मुर्शद इजाजत है फिर जंग शुरू करती उन्होंने को चंगा काम किया अभी तक तो लीडर ने जिंदगी दो गल्लां दे इंज रखना भी सिन्हा जी क्या वफाक दी ते पंजाब दी हुकूमत ते अमीरा जी ए साडी जी ए तीनों साडियां जी आहा टेंशन ना ले सब खुले भी है सब
लो जी मियां साहब को वफाक की हुकूमत पे गुस्सा नहीं आया, अमीरा मीर पर आया। नहीं मैं क्यों चाहूंगा मेरी भैन गलत रस्ते जावे। इन्होंने भैन पता क्यों किया? क्यों? रात 11 बजे प्रोग्राम चलना है ते पापी ने भी देखना है। तुसी लड़ाई कराने तो बाद ना ना। तो कोई नहीं फिर कड़ी गल सुबह रिपीट भी चलना है कहना कारू ने। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕੀ? ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ, ਅਮੀਰਾ ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਵਜ੍ਹਾ? ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੋ ਕੋਝਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਮੀਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਅਮੀਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿੰਡ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸੀ ਆਪਕਾ ਰੋਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਾ ਹੋਗਾ, ये तो अमीरा मीर का सारा झगड़ा है भाई। वैसे हिना जी, हाँ जी, तुसी बड़े रीजनेबल गल तो। वो कैसे? बेटे प्यार ना गल समझ आंदी कि कला मान के कह जंदे मारो लड़ाई हो जंदी। असल जे जड़ा आदमी तमाद वाला रौला ना हिना जी। हाँ जी, ऐसी बस तानवी तमाद च रहना, बाकी गल मीरा वाली जड़ी ओ साडी है। गल बड़ी मुतबरी करदा है, ओ मुंह ना मैच नहीं करदी। बेटा वेखो लगदा चौधरी है। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ, ਜਗਨਾ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਤੇ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਪਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਤ ਰਹਿਣ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇਰੀ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਲ ਵੇਲ ਸਿਰੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੱਜ ਸਾਹਿਬ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਨ ਦਸਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਿਆ। ਬਈ ਆਪ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਥੇ, ਆਪ ਲੋਕ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਆਪ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। चले मैं अपना इंटरव्यू आगे प्रोसीड करती हूँ, आपकी बातें तो होती रहेंगी। तरीके अदम एतमाद की कोई बात कहीं पहुंची ही नहीं, वहीं का वहीं आप लोग बैठे हुए हैं। असली गल बंदे तमाद लैण दे कोई इस गल। अमीरा भाई किसी सूरत नहीं वोट देने वाली पीटीआई को। ओ तो सियासी बयान देंगे, टीवी ते नहीं दस सकते। पूरे महीने भर का थले आ गया 1500 च मैं आया। तेरा इरादा चेंज हो गया, तुसी रखो। मियां साहब, अगर मजबूरी के तहत आपको पीटीआई के कुछ लोगों को नून लीग में शामिल करना पड़े तो आपकी चॉइस जो है वो कौन लोग होंगे? फवाद चॉइस साहब, बाजी फिरदौस, शहबाज गिल साहब, मुराद सईद, फयाजुल हसन चौहान साहब, परवेज कटक साहब। मुराद सईद, ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब, नहीं ये दो तो लाजमी लेंगे। अच्छा, लेके फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या करना है। अच्छा, वैसे इन दोनों को क्यों लेना चाहेंगे अगर मजबूरी के तहत? पता नहीं लग रहा तुम्हें मारना से ला रहा है। उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रहे हैं इन्होंने। इनसे मोहब्बत बहुत ज्यादा हो गई है। इनसे मोहब्बत बहुत ज्यादा है। अच्छा अमीरा, अगर किसी सियासतदान के साथ आपको एक सिंगिंग का प्रोजेक्ट जो है वो ऑफर होता है, इनमें से किसको आप फौरन से हाँ कर देंगी, किसको कहेंगी सोचकर बताऊंगी और किसको कहेंगी नो चांस? आपके ऑप्शंस हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मुराद सईद। बिलावल भुट्टो साहब को मैं फौरन से एग्री करूंगी, हाँ कर देंगी जी। को कहेंगी सोचकर बताऊंगी? हमजा शहबाज को सोचकर बताएंगे। और पीछे रह जाते हैं जिनके साथ कोई चांस नहीं है, मुराद सईद साहब। जी जी जी, उनका बिल्कुल कोई गाना नहीं करना चाहेंगी। नहीं, किसी मजबूरी के तहत अगर आपको पार्टी चेंज करनी पड़ जाए तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? पीटीआई, पीपीपी, काफ लीग? पहले तुसी मैनूं दस्सो सारी मजबूरियां मेरे वास्ते। शहबाज शरीफ साहब गौर से सुन लें, आप लोग पीटीआई के बंदे घेर रहे हैं, यहाँ पे आपकी पार्टी के बंदे पीपल्स पार्टी में जाना चाहते हैं। नहीं ना जी, तुझे गल नोट नहीं की थी। क्या केड़ी पार्टी जा रहे हैं, जो लीडर नु कह रहे हैं मतलब ही है।
अमीरा मुझे ये बताओ कि कभी इश्क हुआ क्या बेवफा हो या बेवफाओं की सताई हुई हो? ये जो मेरा गाना है इसका नेम है वो भी है इश्क बेफना, टाइटल भी इसका यही है इश्क हुआ। तो जाहिर सी बात है हुआ था, तो ये गाना मैंने लिखा था, ये गाना मैंने खुद ही लिखा है क्योंकि मुझे वाकई ही इश्क बेफना हुआ था। अच्छा मीरा ये बताओ कि इश्क हुआ किससे, क्या कोई क्लास फेलो थे, क्या कोई राह चलते किसी से आंखें चार हो गई? जी, क्या जी, कोई राह चलते लिबर्टी में जा रही थी मैं, बहुत तेजी में थी क्योंकि मुझे कोई चीज बाय करनी थी बहुत इमरजेंसी में। अच्छा, मैं बहुत तेजी में जा रही थी, सामने से मेरा किसी के साथ टकराव हुआ और बड़ा फिल्मी सीन लग रहा है। जी जी, बिल्कुल फिल्मी सीन था। पीछे वो फिर जैसे ही देखा वो पीछे गाना भी बजा, भाभी जाके भाभी के भरा मार मार के दुम्बा बना तो मार। अच्छा मेनू कहन की लोड़ ही नहीं, भाभी ने टकराया उदो दा हाल वेख लो। इसलिए मैं लिबर्टी नहीं जाता, लड़कियां मेरे पीछे लग जाती। लिबर्टी तू ऐसे नहीं जानता, तेरे को कराया कोई नहीं। लिबर्टी कहीं दूर है? चलिए अब मैं आपको लेकर जाऊंगी। बस ठीक है, हम दोनों जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे। ये लिबर्टी आपके साथ जाएगा, ये आपको शॉपिंग नहीं करवाएगा, बल्कि मेरे पैसों से करेगा। नहीं, आपके पैसों से भी नहीं करवाएगा, बल्कि आपको साथ लेके आप गाएंगे ये पीछे पीछे मांगेगा, अखियां वाले हो भाई हो गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे आड़ावे प्यार मंगे। अमीरा जी आपका दिल जला रहे हैं। हाँ। अभी इन्होंने मेरे प्लाजे नहीं देखे। अब प्लाजे मरे तेरा अपना करे के मंजिला प्लाजा के तो ले। आपने लिबर्टी का मेन प्लाजा देखा? उसके नीचे ये बोरी बिछा के मांगता है। सही कह रहे, अभी इसके प्लाजे नहीं देखे, अभी आपने ना इसका मोबाइल भी नहीं देखा, वो जिसके आगे पड़ा हुआ है। 13 रबड़ा चढ़िया ने उस मोबाइल उठे ना, थले मारदा थले बज के मथे चुमाईदा। ये अल्लाह, ये इतना हुसन लेके मैं कहाँ चला जाऊँ? फैसलाबाद वापस चला जा, मरे घर जाके समझा। मियां साहब, अगर पार्टी सदर के इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब? शहबाज शरीफ साहब। मरियम बाजी नोटिस कर लें, चाचू के बंदे हैं आपके बंदे नहीं है, बचें इनसे। फैमिली एक ही है, कोई इशू नहीं चल रहा। फैमिली एक है लेकिन सियासत दो तरह की है। नहीं, आपको लगता है क्या? आपको पता चलेगा जब रायवंड से फोन आएगा ना, ये मॉडल टाउन बड़ा जा रहे हो आजकल। नहीं, जब रायवंड जाता हूँ मॉडल टाउन से कभी फोन नहीं है, इसलिए रायवंड से भी कभी नहीं आएगा। नहीं। ये तो को बचना है ना, पता की चाहती है क्या? ना तो उसी रायवंड जो करो वो, तो ना मॉडल टाउन जो करो। मैं लंबला दोनों जो करेगा वो। अमीरा जी, ही ना, इनमें से किस डायरेक्टर की फिल्म के गाने शौक से गाएंगी, किसकी फिल्म के गाने मजबूरी के तहत गाएंगी और किसकी फिल्म के गाने सिर्फ ताल्लुक की बुनियाद पर गाएंगी? आपके पास ऑप्शन है सैयद नूर, मसूद भट्ट साहब, संगीता जी। मसूद भट्ट साहब। अच्छा, फौरन से हाँ कर दूंगी। मजबूरी के तहत किसको? संगीता मैम। संगीता जी की फिल्म के गाने मजबूरी के तहत गाओगी? जी। और किसको ताल्लुक की बुनियाद पर के चलो अब ताल्लुक खराब ना हो गाना गा ही लेती हूँ, पीछे की ऑप्शन बच गया, सैयद नूर साहब। सैयद नूर साहब की फिल्म के गाने आप सिर्फ ताल्लुक बचाने के लिए गाओगी। मियाँ साहब, मैं आपको कुछ खसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि जब आप ये खसूसियात सुनते हैं तो किस पॉलिटिशियन का जो है ना नाम आपके दिमाग में आता है? बोल्ड, अपनी पार्टी किसी की? राणा सनाउल्ला। नजरियाती? मियां नवाज शरीफ। दबंग? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज। मतलबी? आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब आप सुन ले, मियां साहब क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आपको मतलबी कह रहे हैं, पूरी कौम जानती है। खुशामदी। आप एक पॉलिटिशियन का नाम दोबारा भी ले सकते हैं। मुराद सईद। जादूगर? शाहिद खाकान अब्बासी। सयाना? मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। शरारती? बिलावल भुट्टो। हाँ, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो शरारती। जुगतबाज? तलाल चौधरी। गिरगिट? चोरी निसार। चोरी निसार। अहले ज़ौक? शेख रशीद। शेख रशीद, ओके, जबरदस्त भाई, बड़ा आपने अच्छा और जल्दी जल्दी आपने सोच के बड़े। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वॉचिंग तारों से करें बातें। अमीरा जी, अगर किसी सियासतदान से शादी करनी पड़ जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगी? शेख रशीद, परवेज इलाही, मियां शहबाज शरीफ? बिलावल का नाम क्यों नहीं लिया आपने?
चलें इन अगर ऑप्शंस ही ये हों फिर कैसे करोगी? परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब से शादी कर लोगी? बिलावल से डायरेक्ट परवेज इलाही? ऑप्शन ही आपने यही दिए। अच्छा जेडे तीन ऑप्शन देते ने उन तीनों दा शादी दा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मतलब मैं कुवारी रह जाऊंगी प्लीज? नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। और ऑप्शन तो, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन? पहले तो इमरान खान था, अब शायद चेंज हो जाए थोड़ी देर बाद। तो कौन फेवरेट होने वाला है अब? मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज साहिबा। तो अभी बिलावल से शादी बिलावल से करनी है पसंद? मरियम नवाज साहिबा हैं, ये क्या चक्कर है? क्या आपको बिलावल गुड लुकिंग लगते हैं? आई थिंक उधर और इधर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो ये कैसा कंट्रास्ट है? उनकी शक्ल का और मेरी शक्ल 19-20 का फर्क है। 19-120 का फर्क है मरे। नहीं ये तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सीन हो गया ना, ये क्या क्या किस तरह से फिर? बस मैं एक पागल लड़की हूँ, वो गाना है ना ये लड़की पागल है, वो मेरे पे ही बना है। मेरा एक तरफ माइंड उधर होता है, एक तरफ इधर का। दिल मत तोड़ो क्योंकि ये सुन के उसकी कांपे टांग जाएंगी। नाज़रीन हमारे स्टूडियोज में कुछ अजनबी लोग रोज अपना रोना रोने आ जाते हैं। आज जानते हैं कि किस बात का रोना रो रहे हैं। इस वक्त हमें डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है बुजदार साहब की डमी ने, चॉइस साहब की डमी ने और जहांगीर तरीन साहब की डमी ने। अपने अल्फाज कुड़िए वापस ले। क्यों? तो क्या पता नहीं कौन बंदे पूरा पंजाब में सांभे है ते मैनू कहंदी गैर मशहूर बंदे। अब रोज कोई रोना रोने आ जाते हैं, मतलब आज किस तेरी इस गल ने मेरा कलेजा जी साहब ना रोना मेरा हाथा निकल जाना है। छजारत उसे छे चिंगची पाने रात न चंगे भले रुपये आ जाने पाए ने मेरी गल तो मैंने ठीक है 1500 रुपए दिहाड़ी आउन डी की माड़ी है। पीएम साहब सारा कुछ छोड़ो, गर्मियां आ गई, फालसे का सीजन लाओ तुम। जो मेरा बड़ा भरा पहले बेचता है। चौधरी साहब के ना डम्मी नहीं लग रहे हाँ। उनके कमी लग रहे हैं। स्टिच बटर वाला पैकेट है ना, ये नहीं जीने देंगे। तू भी बोल ले, तू पीछे ना रह जाई। ऑस्ट्रेलिया च फिक्की गोभी बेचे ना लगे। साडा ते ओ साहब है ना जी, क्या के जान वाले टूर जान के। सही बात, निजान वाले टूर जान के, फिर लभदी फिरेगी सीएम जानी। गुजदार तू जागदा रही। अच्छा जी, क्योंकि अगे तो बारी नहीं होवानी। निजान वाले टूर जान के, निजान वाले। मेरा नहीं भी दिल करता, मुंह अगे कर दिंदा। सर मैं तुहानू कहना सर टिक टाक बनाओ, थोड़े मशहूर हो जाओ। गुलजार साहब थोड़ा रोना बचा भी लवो, जिस दिन सीएम हाउस तो जाना उस दिन भी रोना जे। ए बड़ा सियाना बंदा है, असल गल ना रोन रोन च कर देंदा है। जद चिंची स्टार्ट करदा ना ये ओदे च सारी गल कर देंदा है। जान वाले टूर जानगे, फिर लभदी फिरेगी सीएम जानी। गुजदार तू जागदा रही। अच्छा जी, अगे तो मारी नहीं होवानी। नी जान वाले टूर जा, साडा ते साहब के ट्रेशन दियां दो लैणा। बहुत ही माड़े इलाके दा बुजदार साहब भी। अच्छा जी, इन्हां दे इलाके च हाले भी दो लैणा, हर शहर च छे छे लैणा बन गईआं बुजदार साहब। सही काम असी कीता या तुसी कीता? केड़े नक नाल गल करदे हो? लो उते नक नाल गरी जाणा, ठीक ठाक नहीं सर। ट्रेशन दियां दो लैणा, एक करके मरोनी कड्डी। स्टेशन दियां दो लैणा, इन्हां ने जो भी कहना मैं अपनी गल फिर भी कहना। स्टेशन दियां दो लैणा, सारा लैन थोड़ी परा करो, गड्डी मेरे ते ना चाड़ दे। स्टेशन दियां दो लैणा, साडे मल्ले च फंक्शन ने, दसो की लैणा। मेरा ते पता नहीं मैं रहना कि नहीं रहना, तू अगले रोजे नहीं रहना। स्टेशन दियां दो लैणा, स्टेशन दियां जिन्ने मेरे खिलाफ वोट पाया कख नहीं जे रहना। निजान वाले टूर जान के, बकरी दी चुल सीती। जेड़ा रोंडा मैं लगता सही नहीं सीती। बकरी दी चुल सीती, सी लैन दो बकरी दे मुंडे हो। उन्हें शाम को देनी, उन्हें ऑर्डर फड़िया ते बकरी भावे कारी ना होए। आप किस कॉन्फिडेंस के साथ अमीरा के सामने इतना बेसुरा गा रहे हैं? ना ये अंदरों दुखी ने, ये तेरे का सुरीला आजकल कोई भी नहीं। वाहा सिंगर ने जो सुन लो ना, बाकी सारे सिंगर चंगे लगन लग जाते। बकरी दी चुल सीती, सिलाई डबल कर दो। बकरी दी चुल सीती सर, अनाबी रंग दी नलकी नल सी है जी, अच्छी लगी।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੁੱਲ ਸੀਤੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਵੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤਰਦਾ ਹਾਲੇ ਚੁੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕੋ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿਆ ਤਸਾਲਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਝੁੱਲ ਸੀ ਕੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਬੁਲਦਾਰ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਸੜਕੇ ਚ ਸਟੂਲ ਪਿਆ ਸੜਕੇ ਚ ਸਟੂਲ ਪਿਆ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਸਾ ਆਪਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਝੁੱਲ ਸੀ ਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਿਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਪਰ ਤੂੰ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲੇ ਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਸਾਢੇ ਤਰਾਏ ਸਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਈ ਕਰੇਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਭਰੋਂ ਦਿਓ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਗਈ ਵੇਖਿਆ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਗਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਉੜਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਫੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਗਈ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਗਈ ਬੇਵਫਾਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੀ ਮੂੰਹ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੇ ਗਾਣੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾ ਬਸ ਯਾਰ ਰੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋ ਹੀ ਜਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੱਲੀਏ ਤੌਂਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੌਂਸੇ ਚੂਪੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਚੌਂਸੇ ਉਹ ਚੂਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਸਲੇ ਅੰਬ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਗਿੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪ ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਿਆ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੌੜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਫਰਾਈ ਪਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਆਪਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪਕੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਚਾਹਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੋ ਆਪ ਕਹਾਂ ਕਾ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਮੀਸਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਨੇ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਜੀਤ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਉਸ ਕੋ ਵੋਟੇ ਡਾਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਕੋ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਮੀਸਨੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਸਨੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸੇ ਰਾਬਤੇ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜੀ ਹਮੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਖੁਦ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਾਬਤੇ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਬ ਵੀ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਡਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸਰ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਏਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਚੱਲੀਏ ਤੋਂ ਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਚਾਹਤੇ ਆਪ ਕਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਜੇ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਆ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਂਗੇ
चॉइस आपको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे साहब नहीं पता, इन्हां दे लीडर ने मेरी गल हो गई है। बड़ी गल कही जगह हो ये सानू सारा पता है। तो फिर बता तो देना मियां साहब क्या बात हुई है, किस किस से हुई है? देखें जी, बात ये है, मैं भी बुजदार साहब का जो रोना निकल रहा है ना जी, मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ये हले स्टार्ट है, चीखा निकलनी है। सीट ते रखो ते पावे ना रखो, मेरी क्वांटिटी है नहीं है। तो बात करते हैं। वज़ीर साहब, अगर आप वज़ीरे आला ना रहे तो फिर आप क्या करेंगे? पिंड जाके सत्तू ला लेंगे, और की करेंगे। ਸਾਡੇ ਚੋ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਠੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ ਸਾਡੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਤੂ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਦੱਸੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੌਂਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਕਿਆ ਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਭ ਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਸੀਐਮ ਜਾਣੇ। ਬੁੱਧਦਾਰ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰਹੀ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ।